है पुलिस के पास कि ये प्रैंकस्टर के काम तो वो नहीं ले सकते, बट एनीवे तो आज इसको पकड़ने के लिए ही मतलब करिश्मा करीना का बहुत कंफ्यूजन होता है. करीना अपनी राय दिखाती है, उस लड़के को पटाती है, पर करिश्मा वहाँ पहले पहुंच जाती है. तो कैसे करिश्मा और करीना के बीच में कंफ्यूजन होगा, उस लड़के को भी कंफ्यूजन होगा, बाकी सबको भी कंफ्यूजन होगा. तो सब इसको पकड़ने के लिए पीछे लग गए हैं. सारी चीजें जो चल रही है, सारी राइवलरी चल रही है, उसमें चीता और संतु का जो क्यूट सा मोमेंट दिख रहा है, खाना हमें नहीं मिला है, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? तो चीता और संतू तो स्टार्टिंग से उनपे क्यूट का टैग लग ही चुका है. देयर रिलेशनशिप इज वेरी क्यूट, बहुत ही प्यारा सा है. एंड ऑल्सो मैं बताना चाहूंगी कि आगे संतू और चीता का बहुत ही क्यूट ट्रैक आने वाला है, जिसमें उनकी बुआ जी आएंगी और वो शायद लिव इन रिलेशनशिप के आगे बढ़ते आगे की तरफ बढ़ते हैं. सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रैक. आप लोग ट्यून्ड इन रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छी एक्साइटिंग स्टोरीज आने वाली है. यू गाइज विल बी अमेज्ड. करीना हाँ काफी मतलब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं दैट शी इज वेरी क्यूट, शी इज वेरी इनोसेंट. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है करीना, प्ले करने में बहुत मजा आता है. सो थैंक यू टैग देने के लिए. दूसरी बात, फैंस के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि जो आपका सपोर्ट है हमारे शो को, वो ऐसे ही बरकरार रखिएगा. हमारा शो ऐसे ही देखते रहिए, हम भी ऐसे ही एंटरटेन आपको करते रहेंगे. जब तक आप देखना चाहेंगे तब तक हम एंटरटेन करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग आर शो. थैंक यू फॉर लविंग ऑल ऑफ अस. करीना के नाम में कोई रोशन अगर बोल सके फैंस के लिए? हाँ, उनको आई थिंक मेरा जय हिंद और थैंक यू बहुत पसंद है, तो जय हिंद, थैंक यू.